इस तरीके की मूवी पहले बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। इसमें जो एक्शन दिखाया जाता था वो काफी ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अब यार उतना फील नहीं होता। मे बी शायद इंटरेस्ट चेंज हो गया हो या फिर देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मास्टर जी दी आईपी मैन लेगेसी। मैं इसको आईपी ही बोलूंगा, आप इसको कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, मुझे आईपी अलग अलग नाम बोलने में ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है। देखो आईपी मैन की 4 मूवी आ चुकी है, ये अलग से है, यानी थोड़ा बहुत इससे रिलेट है, लेकिन इसकी स्टोरी बाकी की जो 4 मूवी है उससे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। कहीं सोचो कि यार वो पहले वाली जो 4 मूवीज देखनी पड़ेंगी तब जाके मूवी समझ में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको अलग से देखेंगे तो आपको इसके अंदर डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेगी जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन एक बात तुम्हें बताना भूल गया कि मैं इस मूवी को देखने क्यों बैठा। इसके अंदर डेव बटिस्टा है। देखो यार डेव बटिस्टा, मैं एक वीडियो में अपने पहले बात कर चुका हूं कि मुझे ये जो WWE देखा करता था तब मुझे बटिस्टा काफी ज्यादा पसंद थे, तो क्योंकि वो रेसलिंग मुझे रेसलिंग करते थे तो मुझे काफी अच्छा लगते थे जो उनकी स्मैक हुआ करती थी। और जब मैं PS2 पे जब गेम खेलता था तब भी मैं ज्यादातर वहां पर बटिस्टा को चूज करता था। खैर ये चीजें इसलिए बताई क्योंकि मेरा ये मूवी देखने का मकसद, मैं इसके ज्यादा अट्रैक्ट इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें बटिस्टा करके मैं इस मूवी को देखने बैठा था। तो अब इस मूवी की कहानी के ऊपर आते हैं। एक व्यक्ति है टिंची नाम का व्यक्ति जो काफी अच्छे मार्शल आर्ट करने जानता है। वो पैसे लेकर लोगों को मारता है, लेकिन बुरे लोगों को मारता है, लेकिन अब वो इतना ज्यादा काम कर चुका है कि अब उसे लगता है कि यार मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो इसलिए वो एक नॉर्मल सी लाइफ जीने के लिए अपने बेटे के साथ वो मतलब एक दुकान पे काम करने लग जाता है जो खुद की उसकी दुकान होती है। लेकिन वो होता है ना कि आप नॉर्मल तो रह ही नहीं सकते, आपने एक बार उसमें पंगे लिए हैं। तो फिर इसके बाद जो है इस मुसीबत इसको ढूंढते ढूंढते इसके पास आ जाती है और ये ड्रग माफिया के मामले में मतलब उसके अंदर चला जाता है, मतलब चला क्या जाता है, उसे टकरा जाता है। इस मूवी के अंदर जो टाइम दिखाया गया है वो ब्रिटिश का शासन दिखाया गया, जो हांगकांग पर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। तो यहां पर एक से थोड़ी बहुत झलक आप लोगों को यह देखने को मिलेगी कि ब्रिटिश वाले कितने ज्यादा क्रूर हैं, वो गुलाम बना के रखते हैं, वो कितना भेदभाव करते हैं, थोड़ा बहुत इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जैसा टिंची के साथ हुआ, ये अपने इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं लेकिन इसको इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर हैं बड़े बड़े पदों के ऊपर, तो इनकी आवाज वहां पर दबके रह जाती है। डेविड नाम का एक ब्रिटिश नागरिक होता है जो ये ड्रग का धंधा चला रहा होता है। अब टिंची और डेविड एक टाइम आता है कि दोनों का आमना सामना होता है। अब ये बताने की तो मुझे जरूरत नहीं है कि दोनों का जब आमना सामना होगा कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, अब आप खुद समझदार हो। देखो अब कहानी के बारे में बताऊं कि अच्छी है या बुरी है। ये मूवी जो है टोटल जिसकी लेंथ है वो 1 घंटा 40 मिनट की है, बावजूद बहुत कम लेंथ है, लेकिन इतनी कम लेंथ होने के बावजूद भी ये मूवी हमें बोर करने लग जाती है। शुरुआत में अच्छी लगती है जैसे उसके अंदर स्टोरी बेस्ड जिसमें दिखाया जाता है, लेकिन एक टाइम आता है कि इसके अंदर ऐसा लगता है कि मूवी को खींचा जा रहा है, तो वहां पर थोड़ी बहुत ये बोर करने लग जाती है, इतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाती है। और फिर मन करता है कि यार जल्दी से इसका लास्ट का सीन देख लें, जहां पर जो लास्ट की जो लड़ाई है बस वही देख लें कि क्या हुआ, ऐसा फील होने लग जाता है। और जो इस मूवी की जो मेन जान है वो है इसके एक्शन फाइटिंग सीक्वेंस, मुझे काफी ज्यादा पसंद हुआ करते थे बहुत पहले जब ये मूवी देखा करता था। खैर ये मूवी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2018 में मूवी आई थी, लेकिन जो ये मूवी हुआ करती थी मार्शल आर्ट के ऊपर जो पहले टाइम में देखा करता तो काफी पसंद आया करते। लेकिन अब कहा ना मैंने जैसे शुरुआत में कहा, अब पता नहीं शायद देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है तब इस तरीके की मूवी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई है मुझे। मे बी आप लोगों को पसंद आ सकती है क्योंकि इसके अंदर जैसा एक्शन दिखाया गया, जैसी उसके अंदर चीप सी फीलिंग आ रही थी, फेक से ग्राफिक मुझे महसूस हो रहे थे वहां पर, उससे अच्छे से लेट नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि यार इससे अच्छा तो कुछ और भी हो सकता था। इवन यार इसके अंदर कुछ ऐसे सीन थे जिसको देखकर हंसी आ रही थी मुझे। एक जो टिंची है जहां यहां पर लड़ाई हो रही होती है किसी और के साथ, इसके अंदर स्पॉइलर नहीं दे रहा, छोटा सा सीन इसके अंदर डिस्कस करना चाहूंगा, वो एक जहां पर खंबा होता है उसके ऊपर चिपक जाता है। मतलब मैं सोच रहा था यार यहां पर तो छिपकली भी नहीं चिपक सकती, मतलब एक इंसान कैसे चिपक रहा है, नंगे हाथ है उसके, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा वहां अजीब सा लगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक्शन ऐसे ही है, काफी ज्यादा एक्शन ऐसे तो जिनको देखकर आपकी सांसें रुक जाएंगी और आपकी बस एक पल भी अपनी आंखें झपकाना भी नहीं चाहोगे, यार ये एकदम से क्या हो गया, इतना फास्ट इसके अंदर एक्शन तो दिखाएगा। तो ये जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई इस मूवी के अंदर। और जो इसके अंदर जो मैं ज्यादा उम्मीदें लेकर बैठा हुआ था, जो इसका लास्ट सीन था जिसके अंदर डेविड और टिंची के आपस में जब लड़ाई होती, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अल्टीमेट लड़ाई जाएगी, बहुत बढ़िया एक इसके अंदर मतलब सांसें रुक जाएंगी, ऐसा कुछ होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है यार। जितना सोचा था उतनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर थी। लेकिन मैं इसको कह सकता हूं कि आप वन टाइम वो चीज को कंसीडर कर सकते हो। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। अगर नहीं देखी
तो अगर आपको मार्शल आर्ट मूवी ज्यादा पसंद है कि जिसके अंदर ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वहां पर ऐसी चीप सी फीलिंग आपको महसूस नहीं होती है, तो आप शायद ये मूवी देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।